रहमान रहीम माई डियर स्टूडेंट्स एम शज़ाद रही और मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ बायोलॉजी पार्ट वन का चैप्टर नंबर इलेवन लेकर और इस चैप्टर का जो नाम है दैट इज बायो एनर्जेटिक्स इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी रिलेशन को स्टडी करेंगे राइट तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू दाइट बोर्ड Yes, students, look at this. कि आप लोगों के पास एक दुनिया का स्लोएस्ट एनिमल है, yes, right. है. आपसे बात कर रहा हूं बिल्कुल सही पहचान आप लोगों ने ये एक गार्डन स्नेल है या फिर हम किसी टैडी बियर की बात कर ये तीनों ऑर्गेनिजम्स बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करते अदर हैंड अगर आप लोग चीता को देखें या आप टाइगर को देखें या आप लोग दुनिया के बहुत स्विफ्ट मूविंग स्नेक को देखें जो बहुत पलक छपकने में राइट right? अपने टारगेट को अटैक करते हैं और उसका जो प्रे है उसे पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो गया इन दोनों की लाइफ की स्पीड में इतना फर्क क्यों है राइट right? आप लोगों को चैप्टर नंबर थ्री याद है तो उसमें मैंने आप लोगों से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल की बात की वाज़ बेसिकली व्हाट एंजाइम, डेफिनेटली। इन दोनों ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में एंजाइम सिस्टम का बहुत फर्क है और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों ग्रुप्स के अंदर लेकिन अपने टॉपिक से स्टक रहते हुए आई वॉन्ट टू इंकलकेट अनदर न्यू कॉन्सेप्ट इन यूर ब्रेन एंड दैट इज कि आप लोगों की आप लोगों के इन दोनों ग्रुप्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है गिब्स फ्री एनर्जी जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में फ्री एनर्जी मीन्स एनर्जी अवेलेबल टू कैरी आउट द रिएक्शन इज मोर दैट टूप इज वेरी स्विफ्ट राइट और जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एनर्जी इतनी है कि वो एक वक्त में एक या दो प्रोसेस को ही कैरी आउट करने के लिए काफी है तो जाहिर है वो बहुत स्लो मूव इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम सिस्टम के साथ साथ आप लोगों की बॉडी में फ्री एनर्जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसी रिलेशन को हम स्टडी करते हैं किस टॉपिक में चैप्टर इलेवन में राइट कि अगर आप लोगों के पास फ्री एनर्जी अवेलेबल होगी तो रिएक्शंस हो सकेंगे और अगर फ्री एनर्जी अवेलेबल ना हुई तो बायोकेमिकल रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड इन द गिवन डायरेक्शन राइट अब हम अंडरस्टैंड करेंगे किसको फ्लैश कार्ड को कि हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या क्या अंडरस्टैंड करने वाले सो नंबर वन इज वी वॉन्ट टू डेफिनेशन बिकॉज डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो आई हैव ऑलरेडी प्लेस्ड फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑन बोर्ड

Aerobic respiration is going to produce what? ADP. And then ATP is going to catalyze even the process of what? Breakdown of food. So we will study all relations amongst these molecules and statements in this lecture. So be ready, put out your copies and pens, open up your eyes and brains and the doors of the ears, and try to fly with me. Have a nice journey. First of all, we're going to start with definition. देर आर टू मेनी ऑफ डेफिनेटिक्स बहुत सारी है लेकिन अगेन जो हमारे लिए सबसे बड़ी constraint तो क्या है आप लोगों का सिलेबस उसी तो के अंदर रहते हुए मैंने उसी डेफिनेशन को आप लोगों के यहाँ पे लिखा है जो आप लोगों की बुक में लिखी हुई है वट इज दिस डेफिनेशन दिसो एनर्जेटिक्स इज द क्वानिटेटिव स्टडी यानी कि, कि इससे मैंने क्वान्टिटी को मैयर करना है किस चीज की एनर्जी की जो बेसिकली दो ऑर्गेजम्स या दो प्रोसेस को आपस में रिलेट कर रही है और नंबर टू इस वो एनर्जी एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट हो रही है मिसाल के तौर तो पर अगर मेरे पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है और मेरे पास एक एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है तो कितनी एनर्जी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में मूव कर सकती है राइट इट इज बेसिकली मेजरेबल थिंग तो उस पर्टिकुलर फील्ड को जिसमें मैं इसको मेजर कर सकता हूं जैटिक्स ठीक है अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं जैसे मैं डिस्कस किया था आप लोगों के साथ फ्री एनर्जी क्या है फ्री एनर्जी में पॉइंट नंबर टू के ऊपर स्टूडेंट्स तो जो फ्री एनर्जी है वो डिटरमाइन करती है कि रिएक्शन कैन अकर और नॉट अगर आप इसे फिजिक्स केमिस्ट्री की जबान में बात करें तो इसे सबसे पहले डिस्कवर कहता गिप्स ने तो हम इसे गिप्स फ्री एनर्जी के नाम भी दे सकते हैं राइट right? अब जो फ्री एनर्जी है वो उसका सोर्स क्या है उसका मेरे पास सोर्स क्या है सोर्स तो सोर्स है मेरे पास सन अब आप लोगों की इस कुर्रा अर्ज पे जैसे मैंने बोला था कि शायद यही वो जगह है हमारी इस कायनात में जहां पे जिंदगी पनप रही है वियर लाइफ कैन थ्राइव एक्चुअली तो उसका जो सोर्स है वो कैसा है सन अब आप लोगों की बुकिंग दो वर्ड यूज की है Sun is direct source or indirect source of energy for all biochemical processes taking place on the face of earth. Right? So, we want to write this word for all, for all biochemical processes. Right? अब यू नो वेरी वेल कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है जाहिर है, सन राइट right? अब इस पर्टिकुलर सन में से क्या निकल रही है दो किस्म की नजर निकल रही है जो हम अपनी सिर्फ बायोलॉजल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को जाहिर है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर सकते हम इस सन की बात करें कि दिस वेरी सन इज प्रोवाइडिंग अस टू टाइप्स ऑफ यू कैन से एनर्जीज

मुझे भूख लगी हुई है तो ऐसा नहीं है कि मैं जाके धूप में बैठूंगा तो मेरी भूख खत्म हो जाएगी या मेरी बॉडी उस पर्टिकुलर सन उस पर्टिकुलर सन से ऑप्टेन वाली एनर्जी को मेरी डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस को कंटिन्यू करवाने में इस्तेमाल कर सकती इसका मतलब है कि ऑल दो तुम बायोकेमिकल रिएक्शंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है मेरे पास सन लेकिन सन से ऑप्टेन होने वाली लाइट और हीट किसी भी किस्म की लाइफ के लिए डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है इवन इट इज नॉट अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्लांट्स। प्लांट भी डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते तो फिर होता क्या है इस पर्टिकुलर सन से आने वाली इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को प्लांट्स यूज करते हैं ठीक है ये किसके पर फॉल करिए प्लांट के फॉर एग्जाम्पल लीव्स पे फॉल कर लीव्स तो जो ही ये वाली रेडिएशन इस पर्टिकुलर लीफ के ऊपर फॉल करेंगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट मेरे पास कि मेरे ये वाले लीव क्या बनाएंगे एक केमिकल एनर्जी इनफैक्ट ये जो मेरे पास प्लांट है ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है राइट सो वी कैन राइट सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड बाय द प्लांट्स इनटू केमिकल एनर्जी अब एक दफा अगर हम लोगों ने केमिकल एनर्जी बना ली तो नॉट ओनली इसे प्लांट्स खुद यूज कर सकते हैं बल्कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी का सोर्स भी हो सकते हैं। तो ये बात हमें यहां से पता चली कि अगर ये तमाम एनर्जी का सोर्स मेरे पास सन ही है बट Even plants cannot consume solar energy to carry out their processes. If they want to carry out these processes, so we have to convert solar energy into chemical energy. Right? For example, you know very well, make first, first of all trioses, in number two, and then we can combine these trioses together and we can have what. Hexoses. Right. So three-carbon compound will combine with three carbon compound and we will have a six-carbon compound, and that very six-carbon compound is called as hexose, for example, glucose. Right. So, photosynthesis ka process bahot essential hai. If there is no sun, there will be no photosynthesis. Therefore, we say अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन इकोसिस्टम और फॉर द अर्थ और फॉर दिस वर्ल्ड इज बेसिकली नथिंग अदर देन सन राइट सो नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोसेस प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड नहीं की बल्कि इट इज एन सोर्स फॉर वेरी वाइटल बायोकेमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज वॉट रेस्पायरिश बट हाउ लेट सी इट यू नो वेरी वेल की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फोटोसिथसिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फोटोसिथसिस वी प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ बायोडक्ट राइट वंस वी हैड ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट तो एन एरोबिक एनवायरमेंट कन्वर्ट हो क्या किस में एरो एरोमेंट में और अगर मैं इस चैप्टर के कोर्स में आपको ये बात बताऊंगा कि अगर मेरे पास कॉन्डिशन कैसी हैं एन एरोबिक तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है वो बहुत कम है लेकिन अगर कंडीशन मेरे पास क्या हो जाए एरोबिक मैं ऑक्सीजन की मदद से सांस लेना शुरू कर दू तो फिर मेरे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए इसका मतलब ये था कि ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होने के साथ साथ ही वही बात है मैं वर्ड बाबर यूज करूं मैं चैप्टर थ्री में भी वर्ड यूज किया था कि जिंदगी की जो डायनिज्म है राइट right, जिंदगी की जो स्पीड है पेस है रफ्तार है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई चेंज हो गई बिकॉज कि अब वो जो फ्री एनर्जी अवेलेबल होनी थी मेरे सिस्टम में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आप ये कह सकते हैं अगर कोई बंदा आपसे ये पूछे कि एरोबिक रेस्पायरेशन का और फ्री एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है तो आप ये बताएंगे कि एरोबिक रेस्पायरेशन के रिजल्ट में अमाउंट ऑफ जो फ्री एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी

हम पहले स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस को और उसके बाद हम इस चैप्टर के सेकेंड हाफ में मूव कर जाएंगे दैट इज बेसिकली रेस्पिरेशन इट मीनस वी आर गोइंग टू कैरी आउट एनाबोलिज्म फर्स्ट फॉलोड बाई द प्रोसेस ऑफ वट कैटाबोलिज्म सो लेट स्टार्ट विद द फोटोसिंथेसिस राइट सो सम हेयर वी वॉन्ट टू स्टार्ट द वेरी यूनिक प्रोसेस ऑफ व्हाट फोटो सिंथेसिस

for the reactants who combine together to give us the products. Now again concentrate your book. आप लोगों की book का ये chapter number eleven का पहला page और उसका ये end वाला portion बन रहा है मैं उसको study करवा रहा हूँ आप लोगों को. तो उसमें उसने क्या लिखा हुआ है कि basically एक photosynthesis एक, एक ऐसा process है कि जिसमें आप लोगों ने low energy मैंने क्या word use किया है low energy इनऑर्गेनिक लो एनर्जी इनऑर्गेनिक और थर्ड वर्ड आपने कुछ लिखा हुआ है व्हाट ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल्स तो तीन वर्ड आपने अपने माइंड में रखने हैं इस प्रोसेस को डिस्टैंड करने के लिए कि वो मॉलिक्यूल्स लो एनर्जी हैं वो इनऑर्गेनिक हैं और वो ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल है किस चीज के कार्बन के और हाइड्रोजन के अब आप जरा गौर से देखिए सोचिए कि आप लोगों के माइंड में कार्बन का कौन सा ऑक्सीडाइज कंपाउंड फोन आपके माइंड में आएगा तो यस ये राइट तो आपने फोन बोला सर सीओ टू सो वेरी फेमस ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कार्बन डाई ऑक्साइड एंड कि जब मैं आप लोगों से ये पूछूं कि कैन यू नेम एनी ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन तो यस योर इमीडिएट रिस्पॉन्स विल बी वॉटर राइट तो मेरा कहने का मकसद सूरट ये है कि जब हम लोग कार्बन के ऑक्सीडाइज लो एनर्जी मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन के लो एनर्जी ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल से कंबाइन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट सनलाइट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन the presence of some what plant pigments and i think one of the very famous molecule is chlorophyll and you have read many of its you can say uh, derivatives in the chapter of what kingdom Protista. आपने क्लोरोफिल ए का नाम पढ़ा था वहां पे क्लोरोफिल बी का नाम आपने पढ़ा था फिर आप लोगों ने यहाँ द पिगमेंट्स और यहाँ पे हम एक और नाम याद करवा रहे हैं आप लोगों को राइट तो ये जितने भी प्लांट पिगमेंट्स हैं दे आर देयर टू कैप्चर सनलाइट एंड दिस पर्टिकुलर सनलाइट दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इट विल प्रोवाइड व्हाट फ्री एनर्जी to these molecules and when these two molecules combine together in the presence of what sunlight and plant pigments so they can they make what high energy so low energy molecule will be converted to the high energy molecules but how we can say okay, they have got the high energy answer is now they have transformed into complex organic molecules initially i have given you the concept that organic molecules will be trioses, three carbon compound, three carbon compound, and when these three carbon compounds combine together, they give us what a uh, six carbon compound, even more complex. And you know very well so we can combine then these two monosaccharides, and we will have what the disaccharides. And when different disaccharides combine together, we have polysaccharides. So we are going to gradually complex the things together, and we will combine. We will have high energy. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली इन देअर रिड्यूसड फॉर्म राइट तो जब मैं इस पर्टिकुलर सी ओ टू को इस हाइड्रोजन से रिड्यूज कर दूंगा तो ये चीज बन जाएगी जैसे हम क्या बोलते हैं फूड इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स फूड और सवाल ये है कि ये जो मेरे पास रिमेनिंग ऑक्सीजन है इट विल जस्ट बी आ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन और aerobic respiration or you can also call it as what a product of sorry a byproduct of the reaction so this is the definition of what photosynthesis now we want to move to the next concept and next concept is reactants of photosynthesis reactants and products reactants and products of photosynthesis you have studied this concept in grade 9 again and i know you have an idea okay this is a very complex process it consists of two very very complex you can say set of reactions one of them is called as what light reaction the other one is called as dark reaction and its self is a complex chain of reactions known as Kelvin cycle. But however, in the beginning, we just want to give its summary and how we can write the summary of the reaction by an equation and that equation gives us CO2. It is a very first reactant and then we have what H2O, it is a second reactant and then we place an arrow and we write something like it. Sunlight at the top of arrow and then we place plant pigments at the base. So these are the what reactants We must have plant pigments, we must have CO2, we must have water and our environmental condition needs a source of energy and then we will have nothing other than... C6H12O6, and we will have what oxygen as a byproduct. So, there are two reactants one of them is CO2, other one is water, and there are two products one of them is glucose, another one is oxygen. Right, and the last thing if we want to balance this equation, we must write 12 over here, we must write 12 over here, and

उस साइट पे देखें तो जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रही है वो कम है और जो अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम हो रही है वो ज्यादा है तो अगर मैं इस तरफ वाटर लिख दू और इस तरफ वाटर को ना भी लिखू तो फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए अगर मैं इस सारी रिएक्शन को ऐसे समअप कर दूं कि सी ओ टू प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वॉट प्लांट पिगमेंट्स एंड वी विल हैव वॉट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल इट इज अ परफेक्ट रेक्शन सो रिएक्टेंट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड प्रोडक्ट्स आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन राइट अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स के ये तो हुई बात प्लांट के बारे में ये प्रोसेस पे हो रहा है प्लांट की बॉडी में हो रहा है मेरा क्वेश्चन आप लोगों के साथ ही है स्टूडेंट्स कि क्या प्लांट की बॉडी में सिर्फ फोटोसिंथेसिस हो रही है अगर आपका आंसर है यस तो फिर मेरा सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने सन एंड सोलर एनर्जी को या सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया इन मेकिंग वॉट केमिकल एनर्जी तो ये केमिकल एनर्जी यूज कैसे हुई राइट right. आपको मेरी बात समझ आ रही है ये ग्लूकोज यूज कैसे हुआ तो इसका आंसर है कि प्लांट बेसिकली एक डुअल नेचर का ऑर्गेनिज्म है आपको याद है हमारे डुअल सेम मोबाइल्स क्या होते हैं जाहिर है वो वाले मोबाइल जिसपे दो सेम्स कर सकते ये जो मेरा प्लांट है ये भी एक डुअल ऑर्गेनिज्म है ये पॉइंट आपने माइंड में लिया आप लोग के प्लांट इज अल मेटाबॉलिक ऑर्गेनिज्म यानी कि इसके अंदर दो प्रोसेसेस साइड साइड बाय चल रही है देयरफॉर मैंने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया स्टूडेंट्स डू ऑर्गेनिक्स इसके अंदर दो प्रोसेसेस साइड बाय साइड चल रहे हैं आइए आर्शन करते हैं कैसे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे राइट right? और यू नो वेरी वेल कि हम ग्राफ में क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स हम हमेशा दो लाइन लगाते हैं तो स्टूडेंट्स कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि इसके पास दो किस्म की रिएक्शंस हो रहे हैं वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज व्हाट फोटोसेंथेसिस एंड अदर वन इज कॉल्ड एज रेस्पायरेशन इसमें दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहे मैंने आपको बताया था कि प्लांट भी सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते प्लांट भी सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते तो प्लांट क्या करते हैं वो पहले फोटोसेंथसिस के प्रोसेस से इस ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते फिर वो ग्लूकोज उन्होंने ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस किया था उस ग्लूकोज करते हैं बर्न करते हैं ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीडाइज करेंगे या बर्न करेंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी जो उनके बॉडी प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है राइट right. अब ये वाले दो प्रोसेस और फोटोसेंसेसेशन एक प्लांट बॉडी में कैसे को रिलेटेड है कैसे आपस में तो जुड़े हुए हैं कैसे लिंक्ड हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये वाला ग्राफ देखते हैं राइट अब देखिए इस पर्टिकुलर ग्राफ में हम लोगों ने यूज किया हुआ वॉट एक वाई एक्सेस ठीक है और जाहिर एक यूज किया हुआ एक्स एक्सेस हमने किया क्या है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने एक्स एक्सेस के एलोंग दो प्रोसेसेस को लिख दिया है फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ दैम इज कॉल्ड एज फोटो फोटो और जिस प्रोसेस से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं दैट इज नोन एज रेस्पायरेशन स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े गौर से देखना है तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बड़े से समझ आएगा जिसको हम अभी स्टडी करने वाले रेस्पायरेशन क्या है अभी मैंने बोला कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी है और ये रेस्पायरेशन कौन करता है बात को तो तरफ है सुनेंगे आप लोग रेस्पायरेशन करते हैं उस की बॉडी के सेल्स, राइट? Right? जितने किसी ऑर्गेजम की बॉडी में सेल होंगे उसके लिहाज से ही उसकी ऑक्सीजन डिमांड बनेगी अगर किसी किसी ऑर्गेनिजम में नंबर ऑफ सेल्स कम है उसकी रजमांड कम है उसकी बॉडी की ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होगी राइट right? तो मैं जो कॉन्सेप्ट आपकी आपको देना चाह रहा हूँ, इंकलकेट करना चाह रहा हूँ आपके माइंड में दैट इज कि जो रेट ऑफ रेस्पायरेशन इट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल हाँ ये हो सकता है ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मिसाल के तौर पर जब आप दो साल के थे तो आप लोगों की बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स कम थी जब आप चार साल के हो तो नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो गए आठ साल के नंबर ऑफ सेल्स और बढ़ गए तो जो जो आप लोगों की बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो जाहिर है आप लोगों के सेल्स की एनर्जी डिमांड और उसकी रेस्परेशन रेट वो बढ़ता चला जाएगा लेकिन अगर हम एक डे का कर एनालिसिस करें तो ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ सेल्स हैं जो आपके डे के स्टार्ट होने के टाइम पे तो ऑलमोस्ट वो डे के एंड पर वही रहते हैं सो नंबर ऑफ सेल्स नेवर रिमेन Never changes. They always remain constant, nearly constant. So number of cells they always remain constant per day, almost. मैं बॉडी यूज़ कर रहा हूँ, almost remain constant. तो so, उस लिहाज से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो number of oxygen molecules consumed या amount of CO2 co2 produced वो क्या रहेगी? Constant रहेगी. और first कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लांट को इस पर्टिकुलर दिन पे उसका जो रे रेट ऑफ रेस्पायरेशन कितना है इतना। स्टडी कर रहा हूं और उसको हम एक लाइन से इस एक्सेस से जोड़ें तो मुझे पता चलेगा कि से रेस्पायरेशन कितना है फर्स्ट लेते हैं टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी and then say से and then say से Rate of respiration always remain constant per day. मैं फिर बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा क्या है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है right? लेकिन अब जरा आप लोगों ने इसी पर्टिकुलर प्लांट बॉडी की एक और प्रोसेस को स्टडी करना है जिसका नाम क्या है मेरे पास फोटो अब जरा आप बात को देखिए गौर से स्टूडेंट्स कि जब रात थी वेन देयर वॉज नो सन लाइट सो रेट ऑफ फोटोसेंथस वॉज अप्रोक्सीमेटली जीरो मैंने बात कर दी है कि ये तकरीबन जीरो पे खड़ा है राइट रेट ऑफ रेस्परेशन इज अप्रोक्सीमेटली जीरो बिकॉज देर इज नो सन लाइट लेकिन जो 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 सन लाइट इंक्रीज करना शुरू करेगी तो जाहिर है रेट भी बढ़ना शुरू कर देगा समथिंग लाइक इट ये बढ़ रहा है ऊपर की तरफ इट इज असेंडिंग बिकॉज विद एवरी पासिंग सेकेंड और मोमेंट लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग तो हर इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी के साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता चला जाता है यहां तक कि एक वक्त डॉन टाइम पे डॉन का मतलब होता है जब तुर सुबह होती है मैं डॉन टाइम की बात कर रहा हूं अब फिर एक वक्त मैंने बोला है क्या डस्क जब गुरूब आफ्ताब होता है यानी कि गुरूब आफ्ताब और त्रु आफ्ताब चले मैं त्रु आफ्ताब को अपसाइड लेके जा रहा हूँ राइट कि जब मेरा सन राइज कर रहा था तो एक टाइम पे एक टाइम ऐसा आया कि जब इस पर्टिकुलर प्लांट का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पायरेशन क्या हो गई बराबर हो गई राइट यू नो वेरी कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं CO2 टू एब्सॉर्ब करते राइट right? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितनी CO2 टू इस पौधे को चाहिए थी वो कौन फुलफिल कर रहा था उसका रेस्पायरेशन रेट राइट इस पर्टिकुलर प्लांट को अभी बाहर से सीओ टू करने की जरूरत नहीं है सिमिलरली इस पर्टिकुलर प्लांट को जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी वो कौन प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड कर रही है फोटोसिंथेसिस राइट right? तो इस पर्टिकुलर प्लांट को इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ओ टू एब्सॉर्ब करने की जरूरत नहीं है बिकॉज के उसका इंटरनल बॉडी सिस्टम उसको ओ टू भी प्रोवाइड कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट को कि जहां प्लांट हमें डम एंड डेफ नजर आ रहा है कि जब वो ना तो एनवायरनमेंट से कोई गैस ले रहा है और ना ही को कोई गैस दे रहा है वेयर देर इज नो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग नाम क्या देते हैं पॉइंट, कॉम्पनसेशन पॉइंट वेयर अमाउंट ऑफ सीओ टू प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सीओ टू राइट और amount of o2 produced is equal to amount of o2 consumed for respiration. or simply we want to say at compensation point rate of photosynthesis rate of photosynthesis is equal to what rate of respiration. जब फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्परेशन रेट के बराबर हो जाएगा तो हम उसे बोलेंगे क्या कॉम्पनसेशन पॉइंट और इस पर्टिकुलर कॉम्पनसेशन पॉइंट को हम दो मोमेंट्स पे ऑब्जर्व कर सकते हैं बोल चुका हूं पहले मैं लेकिन लिख रहा हूं आप लोगों के लिए बोर्ड पर एक का नाम क्या था डॉन एट द टाइम ऑफ डॉन इसको हम उर्दू में लिख सकते हैं क्या तुलुए आफ्ताब जब सन राइज हो रहा होता और एक क्या होता है वर्ड मेरे पास डस्क और डस्क का मतलब होता है राइट ये कौन सा प्रोसेस है राइट अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर क्या है अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जाऊं मीन लाइट इंटेंसिटी और तेज हो जाए दस ग्यारह बारह बजे तो जाहिर है अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ऊपर चला जाएगा एंड इट विल सुपरसीड ये गलबा हासिल करेगा किसके ऊपर रेट ऑफ रेस्पायरेशन के ऊपर तो मुझे लगेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे मैं अब शेड कर रहा हूं ब्लू के साथ इस पर्टिकुलर टाइम पे अब प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहा है ओ टू बिकॉज के ओ टू इस प्रोडक्ट ऑफ फोटोसेंथसिस सो रेट ऑफ फोटोसेंथसिस डोमिनेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ओ टू लगेगा प्लांट अब ओटू एब्जॉर्ब नहीं कर रहा ये सिर्फ और सिर्फ सीओ टू ही प्रोड्यूस कर रहा है राइट right? तो इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर फेज को हम लाइट फेज कह सकते हैं और यहां पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है लेकिन जब दोबारा ग्रुप साफ शुरू होगा तो फिर ये वाला पॉइंट ये वही पॉइंट है जिसे हम क्या बोलते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट यहां पे हम हम अपने इस लेक्चर को रोकते हैं और अगले लेक्चर के बारे में आपको बता रहे हैं कि अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं यू नो वेरी वेल पिछले नल पे आते हैं पिछले हाफ तो अभी नजर आ रहे हैं दो रिएक्टेंट उनमें से एक का नाम क्या था सी ओ टू और नाम क्या है वाटर हमारे पास दो प्रोडक्ट थे वन वन ऑफ देम अदर ऑक्सीजन अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इस बात पर बेस कर रहा होगा कि वॉट इज द बेसिकली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट नॉट ओनली इन सीओ टू बट ऑल्सो इन वाटर ये यह भी प्रेजेंट है और यहां भी प्रेजेंट है सो देयर मे बी यू कैन से कंट्रोवर्सी दैट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन मे बी और मे बी द वाटर एंड स्टडी नेक्स्ट लेक्चर टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ ऑलवेज बिलीव इन कॉन्सेप्ट आप जितना आराम से और सुकून से कॉन्सेप्ट तो अंडरस्टैंड करेंगे आप लोगों की लॉजिकल